हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अयोध्या ब्लॉगर खुशबू में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं नाइट फेस क्लीन करने का। तो आप भी देखते रहिए आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर फ्रेंड्स, आज अपना फेस मैं रात में बना रही हूँ वीडियो, मैं रात की वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। और आप लोग भी देखिए हमारा नाइट फेस क्लीन का वीडियो। और देखिए, मैंने सबसे पहले क्लींजिंग लिया है और मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि क्या होता है पूरे दिन की थकान फेस कहीं नजर आती है। तो फेस क्लीन करना रात में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फेस होता है रात में रिलैक्स मांगता है। और आप अपने फेस को अगर क्लीन करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा और रिलैक्स भी जरूर मिलेगा और आप अच्छे से नींद भी आपको आएगी। तो मैं उसको हल्के से हल्के हाथों से मैं मसाज कर रही हूँ और अच्छे से मैं डीप क्लीन करूंगी और मेरे अपने फेस को अच्छे से साफ करूंगी। तो फ्रेंड्स, कम से कम हमें अपने फेस पे 5 मिनट या 4 मिनट का मसाज हल्के से कर लेना है। फिर इसके बाद हमें कॉटन से इसको साफ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने कॉटन से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं अपने फेस पे क्लीन करने के बाद हल्के हाथों से अपने फेस को, ये हमारा फेस का मसाज हल्के से मैं कर रही हूँ। इससे हमें फेस पे बहुत रिलैक्स महसूस होगा और मैं आँखों को भी हल्का सा मैं मसाज, ये हम समझिए ये करने से बहुत ही आराम मिलेगा। ये हमें अपने आँखों में भी बहुत आराम मिलेगा और नींद भी बहुत अच्छी से आएगी। तो मैंने कर लिया है सारा। अब मैं इसको एक छोटी सी कटोरी में, हमने चावल का आटा लिया हुआ है और चावल के आटे में हमने एलोवेरा का मुझे जेल डालना है। मैंने जेल लिया है, आप कोई सा भी जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर जिसके घर चावल का आटा अगर टाइम पे ना मिल पाए तो आप गेहूं का भी आटा एक चुटकी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल का आटा हमने यूज़ किया है और थोड़ा सा एलोवेरा का जेल हमने लिया। एलोवेरा का जेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा का जेल लगाने से क्या होता है, फेस पे बहुत ठंड महसूस होती है, क्योंकि गर्मी का मैं आपको बता रही हूँ। तो एलोवेरा बहुत ज़रूरी होता है फेस के लिए और फेस पे ठंडा लगेगा और आपका फेस भी और ग्लो करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है गर्मियों में एलोवेरा यूज़ करना। तो मैं इसको अपने हाथों से मैंने इसे मिला लिया, क्योंकि मुझे हाथों से ही लगाना है इसलिए मैंने ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं आपको दिखला रही हूँ, ये देखिए थोड़ा सा इस तरह का जेल तैयार हो गया है। अब हमें इसे हल्के हाथों से अपने चेहरे पे हल्का सा मसाज करना है। अब वाकई में आप इसको यूज़ करिए, आपको इसका फर्क 15 से 20 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बस आप रोज़ कंटिन्यू ये करेंगे तो आपको गर्मी में आपका चेहरा भी बहुत खिला रहता है। क्या होता है गर्मी में बहुत काम भी रहते हैं या बाहर भी जाना रहता है, तो गर्मी में धूप की वजह से हमारा चेहरा ड्राई भी पड़ जाता है और सूखा, मतलब ब्लैक ब्लैक भी कभी कभी सा नज़र आता है, क्योंकि मुझे बहुत काम पड़ जाता है। मैं भी काम भी करती हूँ तो अपना अगर उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो मैं रात में अगर इसको यूज़ कर लेती हूँ तो मेरे चेहरे पे बहुत ही फ़र्क पड़ता है और मेरा साफ हो जाता है चेहरा भी। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और आप लोग भी इसको यूज़ करिए, क्योंकि आपको ये फ़र्क ज़रूर देगा। तो इसको मैं मसाज हल्का सा कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने इसको लिप पर भी लगाया है, नोज़ के पास भी लगाया है, आईज़ के नीचे भी मैंने लगाया है, क्योंकि ये सफाई अच्छे से कर देगा और फेस पे को ग्लो करेगा। तो आप इसको कंटिन्यू लगाते रहिएगा। तो मैं इसको कम से कम 3 से या 4 मिनट का मैं इसको मसाज करूँगी। अगर आपको लगेगा कि सूख रहा है तो आप इसमें से अलग से जेल और लगा सकते हैं, एलोवेरा का जेल आप अलग से भी थोड़ा सा और लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से मसाज कर लोगे और आपका फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये डीप क्लीन के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रही हूँ, क्योंकि चावल का आटा भी हमारे फेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और मैंने जेल से मिलाया है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणवान हो गया है। इसको मैं बता रही हूँ और आप यूज़ करेंगे आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने जेल ले लिया है, मैं आपको दिखला रही हूँ, देखिए थोड़ा सा जेल मैंने ले लिया है, इसको फिर से मैं मसाज करूँगी, इससे मेरा फेस और ग्लो करेगा। तो फिर जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो क्या होता है कि हमारे इसको लगाने के बाद, जो हमने चावल का आटा जो लगाया है इसको अगर हल्का सा मालिश मसाज करेंगे फेस पे तो ये चावल का आटा निकल जाएगा। जब चावल का आटा निकल जाएगा तो हमें क्या करना है आपको आगे की वीडियो देखिए और इन्जॉय ज़रूर करिए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे
चैनल से जुड़े। तो ये हमारे जितने भी फ्रेंड्स नए हैं, हमारी वीडियो को ज़रूर देखें, हमारी वीडियो को फुल वॉच करें और हमारी वीडियो में जो कमी हो वो भी बताएं। अगर जो आपको हमारी वीडियो में अच्छी भी लग रही है, जो हमारी बातें हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, हल्के अच्छे से मसाज हमने कर लिया है। अब ये जो हमने चावल का आटा जो लगाया था वो अब ड्राई हो चुका है। अब इसको हम छुड़ा रहे हैं और इससे हमें क्या होगा, जो हमारे फेस पे जो ड्राई वगैरह जो है सब फेस सही हो जाएगा। और मैं इसको निकाल रही हूँ, चावल का जो आटा जो कि फेस पे लग गया है और उसको हमको निकालना है। तो मैं इसको जैसे उत्तन होता है उस तरह हमको यूज़ करना है। तो ये देखिए, मैं इसको निकाली, मैं आपको दिखला भी रही हूँ और फेस मेरा काफ़ी ग्लो हो गया है। मैं यहाँ पे ठंडा पानी मैं फीस का ली हूँ, आप आइस क्यूब भी ले सकते हैं। तो मैंने इस ठंडा पानी इस समय यूज़ किया है और कॉटन के रुमाल को मैंने यूज़ किया है। तो कॉटन का रुमाल मैंने भिगो दिया इस ठंडे पानी में और बहुत ही रिलैक्स आपको महसूस होगा, यकीनन आप मानिए, यकीन करिए। और जब आप इस ठंडे से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपको गर्मी के मौसम में भी ठंडक जैसा महसूस होगा, आपको अपने चेहरे पे बहुत ही सुकून महसूस होगा, बहुत अच्छी सीधा आपको नींद भी आएगी। क्योंकि क्या होता है, दिन भर पूरा थकान रहता है, काम भी बहुत रहता है, तो रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है। रात की नींद बहुत अच्छी होनी भी चाहिए। और आप इस तरह अगर फेस को क्लीन कर लेंगी आपको ठंडक सा महसूस होगा। हमने एलोवेरा भी इसीलिए लिया कि ठंडक ही अच्छा लगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो एलोवेरा बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसलिए एलोवेरा का यूज़ किया और ठंडा पानी मैंने यूज़ किया। आप ठंडे पानी में आइस क्यूब डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप मुझे बताइएगा कि मैं आने वाली वीडियो में कौन सी वीडियो मैं आपको पोस्ट करूँ, कौन सा ब्लॉग मैं नया बनाऊँ, ज़रूर आप कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय सियाराम।